हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक कॉलर ने क्रॉप टॉप की कटिंग और इसकी सिलाई बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये 8 साल की लड़की का है, जिसका शोल्डर है 10 इंच, चेस्ट 24 इंच है और टॉप की पूरी लंबाई 19 इंच रखूँगी। तो मैं इस कपड़े से पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो इस कपड़े में यहाँ पे इस तरीके से कढ़ाई दिया हुआ है बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीचों बीच इसको फोल्ड करूँगी ताकि ये जो डिज़ाइन है बीच में आए। तो आपको भी इस तरीके से पहले कपड़े को टू फोल्ड कर लेना है और उसके बाद यहाँ से इसको सीधा करके कट कर लेती हूँ। अब यहाँ से लंबाई का चिन्ह लगाऊंगी। तो लंबाई मुझे 19 इंच तैयार बनाना है, उसमें से 4 इंच नीचे की तरफ फ्रिल लगाना है। तो 19 में से 4 इंच माइनस कर देंगे तो ये 15 इंच हो जाएगा और उसमें 1 इंच सिलाई के लिए ले लेंगे। तो इस तरीके से ये 16 इंच पे लगेगा यहाँ पे। तो यानी कि जितना आपको नीचे की तरफ फ्रिल बनाना है उतना आप लंबाई में माइनस करके चिन्ह लगाइए। तो फ्रिल की लंबाई आप 4 इंच, 5 इंच या फिर 6 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर का चिन्ह लगाएंगे। तो शोल्डर है 10 इंच, उसका हाफ करेंगे तो ये 5 इंच पर लगेगा। अब यहाँ से आर्म होल का चेन लगाएंगे तो वो भी 5 इंच ही लेंगे, यानी कि जितना शोल्डर होता है अगर आप उतना ले लेते हैं तो ये बिल्कुल बराबर आएगा। अब इन दोनों को सीधा कर देंगे ऐसे और यहाँ से 1 इंच से हम इसकी गोलाई दे देंगे आर्म होल की, इस प्रकार ऐसे। ये करने के बाद यहाँ पे अब गले का चेन लगेगा। तो गला यहाँ से 2 इंच लूँगी और यहाँ से लंबाई 2.5 इंच। तो ये कॉलर नेक है तो यहाँ पर ज़्यादा हम गला नहीं लेंगे। तो इस प्रकार इसको गोलाई दे देंगे यहीं से। अब आधा इंच इस शोल्डर को डाउन करेंगे ऐसे। अब उसके बाद चेस्ट का चिन्ह लगाएंगे। तो चेस्ट है 24 इंच, उसका 1/4 करेंगे तो ये 6 इंच लगेगा और उसमें आधा इंच लेंगे लूजिंग, तो ये 6.5 इंच। उसके बाद सिलाई मार्जिन जितना आपको रखना है 0.25 इंच या फिर 1 इंच तक आप ले सकते हैं इस प्रकार। और उसके बाद जितना ये 7.25 इंच है तो हम नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ा के लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 7.25 इंच लूँगी इस प्रकार और दोनों को मिला देंगे ऐसे। ये करने के बाद यहाँ पे हम गोलाई देंगे तो इसको नापेंगे और इसके हाफ करके यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ या 0.25 इंच और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब हम इसी चिन्ह पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गया। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से मैं फ्रिल निकाल लेती हूँ। ये डबल लेयर है तो इस तरीके से फ्रिल 4 इंच बनाना है। तो ये 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है तो यहाँ से इसको कट कर लूँगी ऐसे। तो ये एक साइड में इतना मैं और कटिंग करूँगी बैक साइड के लिए। तो इसको अभी साइड में रखती हूँ और इसको ये फ्रंट पार्ट को रख के मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो इस कपड़े को इस प्रकार मैंने टू फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर ऐसे रखूँगी बराबर करके और सेम कटिंग कर लूँगी ऐसे। सिर्फ हम गले को नहीं कटिंग करना है ऐसे। अब उसके बाद ये बैक पार्ट को हम पीछे के साइड से 1 इंच लेंगे इस तरीके से और चौड़ाई उतना ही रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये सब मैंने फ्रिल कट किया है नीचे की तरफ लगाने के लिए। और ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट यहाँ पे। तो यहाँ बैक पार्ट में थोड़ा सा यहाँ से कट करेंगे बटन लगाने के लिए। तो यहाँ से इस तरीके से 2.5 इंच नीचे तक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से ऊपर तक इस तरीके से गोलाई के साथ इसको कटिंग करना है। तो ये मैं सिलाई करते समय कटिंग कर लूँगी। तो इसकी कटिंग अब पूरा हुआ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने बैक पार्ट को यहाँ पर ये कटिंग कर दिया है और इसको फिनिशिंग देने के लिए मैंने तिरछी पट्टी लिया है। इसको यहाँ पर इस प्रकार उल्टे साइड में रखूँगी और पूरे में इसको सिलाई करके अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से सिलने के बाद इस पट्टी को हम सीधे साइड में इस प्रकार फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ पे किनारे पे सिलाई करेंगे किनारे किनारे पूरे में। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे बटन लगेगा बाद में। तो इस तरीके से अब हम इसमें फ्रंट पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट को ये उल्टा साइड ऊपर करके और यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे दोनों शोल्डर को ऐसे।
तो शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे हम कॉलर कटिंग करेंगे। तो इसको पहले इस तरीके से, ये थोड़ा तिरछा है तो मैं इसको पहले बराबर कर देती हूँ। तो ये बराबर करने के बाद ये मैंने कॉलर कटिंग करने के लिए लिया है बकरम, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 9-9 इंच लेंगे और इसको इस प्रकार डबल कर देंगे और उसके बाद इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे बराबर करके। तो इधर से पूरे बराबर रखना है फोल्डेड साइड से, यहाँ पे बराबर करके यहाँ पे पहले पिन से अटैच कर देना है ऐसे, और उसके बाद यहाँ से इस प्रकार हम थोड़ा फैला के रखेंगे ऐसे, और इस तरीके से सेम बराबर चिन्ह लगा देना है जहाँ तक ये कपड़ा है बिल्कुल वहीं तक। इस तरीके से ये थोड़ा डार्क कर देती हूँ। उसके बाद हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। तो ये आप जितना सिलाई के लिए कपड़ा पकड़ते हैं बिल्कुल उतना ही पकड़ के हमें यहाँ पे इस तरीके से निशान बनाना है। तो क्योंकि बकरम हमें सिलाई के लिए नहीं कटिंग करना है। अब उसके बाद हम कॉलर की चौलाई लेंगे, तो जितना चौला आपको कॉलर रखना है उतना आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है, तो यहाँ तक 2 इंच लेंगे और पीछे के साइड में 1/2 इंच कम करके यहाँ से 1.5 इंच लूँगी ऐसे, और सेम मिला देंगे। यानी कि 5 साल से अगर आप नीचे के लिए बना रहे हैं तो आगे से आप 1.5 इंच लीजिए और पीछे से 1 इंच। अब हम सेम इसी चीन पे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अंदर वाले चीन पे कटिंग करना है ऐसे, और इधर से सेम उसी चीन पे ऐसे कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ से पीछे के साइड में हल्का सा इस प्रकार हम गोलाई दे देंगे जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करेंगे और ये सेंटर है, यहाँ बीच वाला चेन है। उसके बाद हम ये सेंटर से इस तरीके से 1.5 इंच पे एक चेन लगाएंगे यहाँ पे, और यहीं से इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ से 1.5 इंच की दूरी से इस प्रकार हम गोलाई देंगे ऐसे। तो ये इस तरीके से यहाँ से दिखेगा। उसके बाद इसको अलग, ये मैंने कपड़ा लिया है, इस पर रख के इसको प्रेस से चिपका लूँगी। तो इस तरीके से मैंने चिपका लिया है प्रेस से, और चारों बगल से मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लिया है, और इसी के जैसा मैंने डबल डबल कटिंग किया है एक अंदर के साइड में फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से करने के बाद यहाँ से पूरे में सिलाई चला लूँगी यहाँ तक इस साइड में। इस प्रकार पूरे बकरम के नीचे नीचे सिलाई चलाना है। तो सिलाई करने के बाद इसे हम सीधा कर देंगे ऐसे। तो इसी प्रकार मैंने दूसरे को भी कर लिया है और इसको भी मैं सीधा कर देती हूँ ऐसे। सीधा करने के बाद यहाँ पे ऊपर के साइड में ऊपर ऊपर एक सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए इस प्रकार। तो इसी प्रकार दोनों में कर लेती हूँ। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 1/2 इंच अंदर के साइड में दोनों कॉलर में, ये देखिए। और यहाँ पे मैं एक सफ़ेद कलर की पट्टी लगाऊंगी, ये मैंने तिरछी पट्टी लिया है। इसको यहाँ से बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ये जो मैंने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं पर रखना है इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा मैं बराबर कर देती हूँ पट्टी को, तो देखिए इस तरीके से वो बिल्कुल उस निशान के पास पास रखना है और उस पट्टी के ऊपर सिलाई करना है ऐसे, और इस पट्टी को हल्का हल्का हमें खींचते हुए लगाना है पूरे में। बिल्कुल उसी निशान पे ऐसे रखते हुए पूरे में सिलाई कर लेना है देखिए। तो इस तरीके से सिलने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको खींच के लगाया है जिसके वजह से ये उठा उठा सा हो गया है। तो यहाँ पे ये दूसरे साइड में इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इसी प्रकार मैंने दोनों कॉलर को तैयार कर लिया है ये,
अब हम इसमें लगाएंगे, गले में लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से सीधा करके रखना है और जैसे बीच में यहाँ पहले सेंटर में एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे कट लगा देती हूँ और इस कट के पास से हम 1.5 इंच नापेंगे, क्योंकि कॉलर कटिंग करते समय हमने 1.5 इंच पे कट लगाया था कॉलर की। तो यहाँ भी 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहीं से इसको कॉलर को रखेंगे ऐसे, दोनों निशान के पास से इस तरीके से रखना है। और यहाँ पहले पिन से अटैच कर देती हूँ। और उसके बाद इस तरीके से पूरी गोलाई में सिलाई कर देना है ऐसे पकड़ के। तो इस तरीके से गला कॉलर अटैच हो गया है गले में। अब हम इसको गले को फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से ये मैंने तिरछी पट्टी कट किया है 1/4 इंच चौड़ा, यहाँ पे इस तरीके से रख के अटैच करेंगे। तो पहले 1/2 इंच इस तरीके से बाहर निकालना है और उसके बाद इस तरीके से जितना आप सिलाई पकड़ते हैं उतना पकड़ के पूरे गले में इस पट्टी को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से इसको मैंने पूरे में अटैच कर दिया है। अब क्या करूँगी, यहाँ से जैसे ये पहले एक्स्ट्रा है निकाल देती हूँ कट करके, और पूरे गले में हम कट लगा देंगे ऐसे। इस तरीके से ये पूरे में कट लग गया। अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो उसके पहले यहाँ पे लूप्स लगाना है, तो उसके लिए मैंने पट्टी कट किया है जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच और लंबाई 2 इंच लिया है। तो इसको इस तरीके से पतला फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको बीच से फोल्ड करेंगे अब, और यहाँ पे ये राइट साइड में ऐसे रखना है और यहाँ पे पहले पट्टी में इसको अटैच कर देना है। तो ये लूप सब लग गया। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने तिरछी पट्टी ज्वाइंट किया था उसके ऊपर इस प्रकार सिलाई कर देंगे। तो मार्जिन को पट्टी के साइड में ही रखना है। इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई कर दिया। अब इसको अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे। तो पहले ये जो मैंने अधिक निकाला था उसको फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड करके वो कॉलर को बाहर के साइड में रखेंगे और इस तरीके से यहाँ किनारे पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे ये जो मार्जिन है पूरा मार्जिन को अंदर करते हुए यहाँ किनारे किनारे सिलाई करना है पूरे गले में। तो ये कलर अब अटैच हो गया इस तरीके से। अब हम आर्म होल की फिनिशिंग देंगे। तो इस तरीके से ये मैंने तिरछी पट्टी कट किया है, इस पट्टी को हम उल्टे साइड में रखेंगे ऐसे और इसको सिलाई करके अटैच कर देंगे। ऐसे तो यहाँ पे इस तरीके से सीधे साइड में फोल्ड करके यहाँ पे पाइपिंग बना देंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे सिलाई कर लेना है। तो आप चाहें तो इसको अंदर के साइड में भी फोल्ड कर सकते हैं पट्टी को। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया है, इसी प्रकार मैंने दोनों साइड में बना लिया है। अब हम इस तरीके से फोल्ड करके यानी कि साइड फिटिंग कर लेंगे, यहाँ में साइड में सिलाई कर लेंगे। तो जितना आपने मार्जिन लिया है कटिंग करते समय उतना पकड़ के यहाँ पर सिलाई कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फ्रिल लगाना है नीचे के साइड में पहले, तो फ्रिल मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने फ्रिल के लिए कट किया था, उसको मैंने दोनों साइड से फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। ये मैंने नीचे से भी फोल्ड कर दिया है और इसको ऊपर से भी फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो नीचे से मैंने इस तरीके से ऊपर वाले साइड में मैंने सिंगल ही फोल्ड किया है और नीचे से मैंने डबल फोल्ड किया है। तो ऊपर के साइड में पहले मैं यहाँ पर 1/2 इंच नीचे की तरफ एक मोटा मोटा सिलाई कर लेती हूँ फ्रिल बनाने के लिए। इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसमें से एक धागे को लेंगे ऐसे
और ऐसे खींचेंगे हम नीचे की तरफ तो ये फ्रिल बन जाएगा। तो इस तरीके से खींचते हुए पूरे में फ्रिल बना लेना है। तो उसके बाद इस तरीके से बनाने के बाद आप इसमें से नाप के देख लीजिए, अगर बराबर होता है तो उतना पे ही रहने देंगे। तो इस तरीके से ये बराबर हो गया, तो यहाँ पे दोनों धागे को इस तरीके से पकड़ के कर देंगे तो इस तरीके से फिर ढीला नहीं होगा। और उसके बाद ये अगर कहीं कम ज़्यादा होगा तो इस तरीके से पूरे फ्रिल को बराबर कर लीजिए पूरे में। तो इस तरीके से ये कहीं कम ज़्यादा हो जाता है तो इसको पूरे को पहले बराबर कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर ऐसे रखना है। और यहाँ पे अटैच कर देना है, तो टॉप के नीचे यहाँ पे अटैच करना था तो इसको ऊपर ऐसे रख के हम ऊपर से ही सिलाई करके इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से अटैच हो जाने के बाद यहाँ पे एक पट्टी लगाऊंगी, तो ये मैंने सफ़ेद पट्टी कट किया है इसमें लगाने के लिए। तो इसको डबल करेंगे और यहाँ पे रख के इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से डबल करना है और जो फ्रिल मैंने लगाया है उसके बराबर में ऐसे रखना है और यहाँ पे सिलाई करना है। इस तरीके से किनारे किनारे पूरे में लगा लेंगे। ऐसे लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अगर ज़्यादा मार्जिन हो तो आप इस तरीके से कट कर दीजिए, नहीं तो फोल्ड करने के बाद इस तरीके से दिखने लगेगा, तो कट कर देने से ये नहीं दिखेगा। अब उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। तो अब हम इस दूसरे साइड में भी इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो इसको मैंने इस तरीके से सीधा कर लिया। अब यहाँ पे लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, मैं वो बना के वहाँ पे अटैच करूँगी। तो इसकी लंबाई मैंने इस तरीके से 8.5 इंच लिया है और चौड़ाई 4.5 इंच। तो इसको यहाँ से दोनों साइड से इस प्रकार पकड़ेंगे ऐसे और बीच में ऐसे फोल्ड कर देंगे और दोनों साइड में इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे सीधा कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे नीचे की तरफ लगाने के लिए मैंने दो और पट्टी कट किया है जिसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई मैंने 4.5 इंच लिया है। तो इसको इस प्रकार बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई करना है। तो ऊपर से सीधा लाना है और नीचे से तिरछा करके मशीन को नीचे उतार देना है। उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे ऐसे। उसके बाद दो सबको सीधा करने के बाद यहाँ पे सुई की मदद से यहाँ पे वो बना लेंगे। तो इसको इस प्रकार बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पे बीचों बीच इस प्रकार हमें सुई से सिलना है। इस तरीके से सिलने के बाद इसे सुई से हम यहाँ पे बांध देंगे ऐसे। तो इस तरीके से बांधने के बाद यहाँ पे 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई की मैंने इस तरीके से ये चौकोर कपड़ा लिया है, इस प्रकार बीच से फोल्ड करूँगी ऐसे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और पीछे के साइड में इस तरीके से करके यहाँ पे अटैच कर देना है। तो जो एक्स्ट्रा होगा काट के निकाल देंगे और यहाँ पे उसे सुई की मदद से यहाँ पे बांध देंगे ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से करने के बाद ये जो मैंने पट्टी बनाया है इसको इस प्रकार दोनों को रखूँगी ऐसे
और यहाँ नीचे के साइड में सुई की मदद से इसको भी बांध दूंगी। तो अच्छे से सिल देना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ से ये ना निकल पाए। तो इस तरीके से ये बो तैयार हो गया है। अब हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसे रख के यहाँ पे सुई की मदद से अटैच कर देना है, बांध देना है सुई से। तो यहाँ पे मैंने बो को बांध दिया है। अब ये मैंने बटन मैं पीछे की तरफ लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने बटन लगा दिया है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से दिखेगा दोनों साइड से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।